एवरीडे में आपको एक नई नई रेसिपी देता रहता हूँ, और आप लोग उसे बहुत पसंद भी करते हैं और आप लोग का मुझे बड़ा प्यार मिलता है। उसके लिए सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपकी जो डिश है देखिए कितनी बढ़िया दिखने में, और इसके अंदर सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, वेजिटेबल्स भी है, पास्ता भी है, और एक सूप है। तो सूप मैं आज आपको बना के दिखा रहा हूँ रेसिपी, तो देखिए वीडियो कंटिन्यू। तो सर्दी का मौसम और सूप पीने का एक मज़ा ही अलग है। तो पिछली रेसिपी मैंने आपको बना के बताई थी टोमेटो बेसिल सूप, आज भी मैं आपको एक नई सूप की रेसिपी बना के दिखा रहा हूँ। इंटरनेशनल सूप है, सूप का नाम है मिनेस्ट्रोनी सूप। तो मिनेस्ट्रोनी सूप कैसे बनता है देखिए वीडियो आगे, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई है। वीडियो आएगी आपको बहुत पसंद, और आप अपने घर पे बना के बोलोगे वाह सूप पीने का मजा ही आ गया। तो लेट्स करते हैं बनाना स्टार्ट आज की रेसिपी मिनेस्ट्रोनी सूप, एक छोटे से इंट्रो म्यूजिक के बाद। तो सूप बनाने के लिए मैंने सारी तैयारियां कर दी हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास है चॉप्ड बीन्स है, पास्ता भी मैंने यहाँ पे बॉयल करके इसको हल्का सा चॉप कर लिया है, मतलब छोटे छोटे पीसेज कर लिए हैं पास्ता के। और ये मेरे पास ग्रीन जुकीनी है यहाँ पे, ये कैरोट है, ये ब्रोकली है, और ये है फ्रेश थाइम। मैंने सारी चीज़ों को पहले यहाँ पर अरेंज कर लिया है, और अब मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ मिनेस्ट्रोनी सूप की रेसिपी। गार्लिक को मैंने इस तरह से एकदम फाइन चॉप कर लेना है, क्योंकि मिनेस्ट्रोनी सूप में मैं जब स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं इसे गार्लिक के साथ बनाऊंगा। और फिर हमने क्या करना है कि एक पैन रखना है, पैन के अंदर मैंने जाने दिया थोड़ा सा बटर, आप चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बना रहा हूँ बटर के अंदर में, ताकि इसका एक बढ़िया सा टेस्ट आए मिनेस्ट्रोनी सूप का। मिनेस्ट्रोनी सूप बेसिकली सब्जियों से बनता है, और इसके साथ में बाद में ऐड होते हैं पास्ता और राइस, कोई कोई इसमें पास्ता और राइस को भी यूज करता है, मैं सिर्फ इसमें इस टाइम सिर्फ पास्ता को ऐड करके बना रहा हूँ। और अब इस कंडीशन में मैंने इसके अंदर ऐड किया है जो मैंने अभी चॉप गार्लिक की थी, और चॉप गार्लिक को फिर मैंने क्या करना है कि बटर के साथ में अच्छे से टॉस कर लेना है। जैसे गार्लिक हमारा हल्का सा टॉस हो जाए, तो फिर मेरे पास जो ये वेजिटेबल्स हैं बीन्स, कैरोट, ब्रोकली, जुकीनी, सारी चीज़ें मैंने वन बाय वन करके इसके अंदर ऐड कर देनी है इस तरह से। और फिर से क्या करेंगे, अच्छे से 2 से 3 मिनट तक टॉस करेंगे, यानी शौथे करेंगे इसको, भूनेंगे जिसे कहते हैं हमारी भाषा में, अच्छे से इनको भूनना हमने। ये देखिए इस तरह से मैंने सारी वेजिटेबल इसके अंदर ऐड कर दी है, बस अब ब्रोकली रह गई है, मैं ब्रोकली भी इसके अंदर ऐड करूँगा, क्योंकि ब्रोकली जल्दी कुकड हो जाती है, इसलिए ब्रोकली के थोड़ा 1 से 1.5 मिनट के बाद हमने ब्रोकली इसके अंदर ऐड करनी है। और फिर अच्छे से लैडल से इसे यूँ घुमाते हुए सारी चीज़ों को भून लेंगे, यानी टॉस कर लेंगे, ताकि हर एक सब्जी जो भी वेजिटेबल्स मैंने इसके अंदर डाली है सबका अपना फ्लेवर आ जाए गार्लिक और बटर के साथ में मिलके। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा ब्रोकली। ब्रोकली मैंने पहले कटिंग कर रखी है देखिए इस तरह से, और फिर इसे सारी वेजिटेबल को 1 से 2 मिनट में फिर सौते करूंगा, टॉस करूंगा, ताकि हर एक वेजिटेबल बटर और गार्लिक के साथ में अच्छे से कुकड होके इनका हर एक चीज़ का अपना स्वाद आए, और जो हमारा सूप बने एकदम बहुत ही टेस्टी सूप बने। ये देखिए इस तरह से इनको भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो गए अब, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा, ये मेरे पास है फ्रेश थाइम। थाइम एक हर्ब्स है बेसिकली, और इसकी मैं पत्तियाँ तोड़ के इसके अंदर डालूँगा, ताकि जब इसका जो फ्लेवर आए इसके अंदर थाइम का फ्लेवर पूरा आए, क्योंकि थाइम हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। जितने भी ये फ्रेश हर्ब्स होते हैं इनका हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट्स हैं, आप जानती हैं, जैसे थाइम है, बेजिल है, ये टैरागोना है या ओरेगानो है, सारी चीज़ों का एक बहुत ही अहम रोल होता है हमारी हेल्थ के लिए। और अब मैं इस स्टेज पे ऐड करूँगा 1 स्पून टोमेटो पेस्ट, क्योंकि इसका बेस टोमेटो है तो मैं इसके अंदर टोमेटो पेस्ट यूज करूँ, आप चाहे तो टोमेटो केचप भी यूज कर सकते हैं। और फिर मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से यूँ सौते कर लेना है। ये देखिए जो जो चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली सब ने अपना अपना कलर इसके अंदर दे दिया है। और अभी मेरे पास बेसिल की लीव्स हैं, बेसिल की लीव भी मैं इसके अंदर तोड़ के डाल रहा हूँ, आपने हाथ से तोड़ के डालनी है, ये नहीं कि आपने इसे चॉप करके डालना है। और फिर अच्छे से टॉस कर देंगे, इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब मैं ऐड करूँगा 1/2 टीस्पून नमक, नमक हमेशा स्वाद अनुसार आपने डालना है। एक क्रश ब्लैक पेपर मैंने 1/2 टीस्पून डाली, और फिर इन्हें अच्छे से ही मिक्स करते रहना आप 2 मिनट। इनको मिक्स करने के बाद यानी कुकड करने के बाद अब मेरे पास बना है ऑलरेडी वेजिटेबल स्टॉक,
तो वेजिटेबल स्टॉक आपने इसके अंदर ऐड करना है, आपने एक स्टेनर लगानी है और वेजिटेबल का जो मेरे पास स्टॉक है इसके ऊपर स्टेन करके डाल देंगे। ये देखिए ऐड कर देना इस तरह से। मैं इस टाइम एक सूप बना रहा हूँ, तो आपने अपनी क्वांटिटी के अनुसार ही वेजिटेबल और वेजिटेबल का स्टॉक का यूज करना है और फिर इसे अच्छे से ही मिक्स कर देंगे। हर एक चीज़ जो हमने इसके अंदर डाली है सारी अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर क्या करना है कि इसे 4 से 5 मिनट कुक्ड करने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर लिड लगा सकते हैं या बीच बीच में इसे हिला सकते हैं। और जैसे आपका ये सूप में उबाल आएगा तो आपने देखना कि इसमें एक झाग सा निकलेगा, यानी एक फ्रोथ निकलेगा, आपने फ्रोथ लैडल से निकाल देना है। ये देखिए इसके अंदर झाग बन गया, तो फिर आपने इसे स्पैचुला या लैडल जो भी आप यूज कर रहे हो या स्पून से इसे निकाल सकते हैं इस तरह से, ताकि आपको मिले एक बहुत ही हेल्दी और फ्रेश सूप। झाग निकालने के बाद आपने इसे 1 से 2 मिनट फिर घुमाते रहना है, अगर और झाग है तो उसे भी निकाल देना है। और अब इसको देखिए कितना बड़े इसके अंदर कलर और कंसिस्टेंसी आ चुकी है सूप की। इसकी खुशबू देखते हैं, अरोमा देखते हैं, वाव, मतलब पूछो मत, बहुत ही बढ़िया और शानदार। मैं इसमें थोड़ा सा इस टाइम पे ऐड करूँगा 2-3 पत्तियाँ और फ्रेश थाइम की, ताकि थाइम का एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आए और आपका सूप एकदम टेस्टी बने। और टेस्ट करके देखते हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया टेस्ट इसका आ रखा। ऑलमोस्ट हमारा सूप अब बिल्कुल तैयार हो चुका है बनके। आप ये देखें स्मेल, जो इसकी खुशबू आ रही है आप स्मेल करके भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया खुशबू, और टेस्ट आप पीने के बाद आपको पता लगेगा। और सूप अब बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है, और फिर गैस को करेंगे बंद। अब मैं लास्ट इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, जो मैंने बताया था ना पास्ता, पास्ता मैंने पहले कटिंग की है और वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। ये देखो सूप बिल्कुल बन के तैयार, और इसके लिए मैंने एक बाउल लगाया और सूप बाउल के अंदर इसे करेंगे गर्मा गर्म सर्व। ये देखिए इस तरह से मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ही पोर्शन सूप बनाया है। आप चाहे तो जितना भी बना सकते हैं, जितने आपके मेंबर हैं, आपने देखने की हर एक चीज़ की क्वांटिटी को मेज़र करके ही बनाना है। सूप के अंदर ज़्यादा वेजिटेबल भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा पतला भी आपका सूप ना हो, जितना आपको सूप चाहिए उतना ही आपने बनाना है। ये देखिए और सूप हमारा बिल्कुल बन के हो गया अब तैयार। अब मैं फाइनली इसमें ऐड करूँगा गार्निश में ये थाइम की फ्रेशली मैंने चॉप करके तोड़ के हाथों से इस तरह से इसकी पत्तियाँ इसमें डाल देंगे, और ये थोड़ा सा पास्ता जो मैंने कटिंग करके रखा था वो भी इसके गार्निश में जाने देंगे हम ऊपर से। ये देखो और सूप कितना बढ़िया दिख रहा है, आप देख रहे हैं डेलीशियस दिखने में। और ये है मेरे पास पारमेजन चीज़, पारमेजन चीज़ भी इसमें बहुत ज़रूरी है। पारमेजन चीज़ का स्वाद सूप के साथ जब आप इसे मिक्स करके पियोगे तो अलग ही स्वाद आएगा, और फिर आप बोलोगे वाह। और एक मैंने फ्रेश थाइम का बंच इसके ऊपर से लगा दिया, और ताकि हमारा सूप दिखने में भी बढ़िया लगे। और मैंने सूप स्टिक भी इसके साथ में दिए। अब आप देख रहे हैं ना कि सूप कितना बढ़िया डेलीशियस लग रहा है। ये सूप हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर सारी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश हर्ब्स हैं, थाइम इसके अंदर है, पारमेजन चीज़ इसके अंदर है, और जो भी मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें डाली सारी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी हैं। ख़ास करके इस विंटर सीजन में आप इस सूप को अपने घर पर बनाएँ, अपने बच्चों को पिलाएँ, घर आए हुए मेहमान को पिलाएँ, जब मन करे तब ये सूप बनाएं। और बहुत ही इजी रेसिपी मैंने आज आपको बना के दिखाई, ये भी नहीं कि इसको बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत है। वीडियो को देखें और बनाएं अपने घर पे शानदार रेसिपी। जब सूप बनी गया तो फिर पी के भी देखते हैं कि आज की हमारी डिश कैसी बनी है। वाओ वाओ मतलब वाओ, ये नहीं कि मैंने बनाया, आप बनाओ वीडियो को देख के अपने घर पे, आपको भी बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। इसके अंदर हर एक चीज़ का फ्लेवर है हमारे पास, जो जो चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं, फ्रेश थाइम लीफ है, बेसिल लीफ है, और टोमेटो है, कैरोट्स हैं, जुकीनी है, सारी वेजिटेबल इसके अंदर है। मतलब अपने आप में एक बहुत ही हेल्दी सूप आपके लिए बन के तैयार। वीडियो देखे लगातार और आपको पसंद आएगी ये डिश, आप बोलोगे वाह। तो आपके सामने मैंने आज बना के देखा एक बहुत ही बेहतरीन डिश, इंटरनेशनल सूप, जिसका नाम है मिनेस्ट्रोनी सूप। तो मिनेस्ट्रोनी सूप कैसे बनता है मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बना के दिखाया है। ये देखो आपके सामने बन के तैयार है आज की डिश, जितनी दिखने में खूबसूरत है उतनी ज़्यादा ये टेस्ट में भी अच्छी होगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो वीडियो देखें लास्ट तक और बताएं मुझे कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ना पसंद आए तो भी ज़रूर बताना, ताकि मैं अपनी गलतियों का कर सकूँ सुधार। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा करें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको मिलेगी हमारी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन, और आप देख सकेंगे बहुत ही अच्छी रेसिपी
जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। एक बहुत ही अच्छी रेसिपी देना आप लोगों को मेरा मकसद है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए टाइम पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपका दोस्त राज मुंडी, टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को देख सकें। थैंक यू सो मच, आपका दोस्त शफराज।